नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। हाजिर हूं फिर एक बार भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर को लेकर। सत्ता और धन के दबाव में आए दिन अपराधी, पूंजीपति और राजनीतिक पहुंच के लोग निर्दोषों को फंसाकर बदला लेते हैं। अपने रीवा जिले में कई ऐसी घटनाएं देख चुके हैं। ताजा मामला चौराहा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मारपीट करने वालों को बचाने के लिए पीड़ित पर ही पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे युवकों ने चौराहा थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों ने बताया कि उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन अब पुलिस कार्यवाही करने की बजाय उल्टा उन्हें धमका रही है। पीड़ितों ने मीडिया को ऑडियो उपलब्ध कराया है, जिसमें पुलिसकर्मी के द्वारा पीड़ित को ही धौंस दिखाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे संजय साकेत ने बताया कि वह अगडाल का रहने वाला है, जहां वह दुकान संचालित करता है। गत दिवस उसके दुकान के सामने एक डंपर चालक ने ऑटो को टक्कर मार दी थी। घटना की जानकारी लगते ही वह मौके पर पहुंचा और घायल ऑटो चालक को ऑटो से बाहर निकालकर हालचाल पूछा। चूंकि ऑटो चालक को चोट ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह अपना ऑटो लेकर बेला की तरफ चला गया, जबकि डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से भाग निकला था। घटना का पीड़ितों ने वीडियो बनाना चाहा तो मौके पर कार सवार लोग पहुंचे, जो बीच सड़क पर ट्रक के सामने शराब का सेवन कर रहे थे। युवक को वीडियो बनाता देख उसके ऊपर टूट पड़े और उसके ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी उसके पास उपलब्ध है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते आए दिन उसके घर जाकर लोग धमकी दे रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं संजय साकेत और पुलिस के बीच हुई चर्चा का तथाकथित ऑडियो, जिसे सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से अपराधियों के दबाव में आकर पुलिस पीड़ितों पर दबाव बनाती है और झूठे मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। वहीं सत्ता और पैसे वालों को बचाने के लिए पुलिस किस तरह से पीड़ितों पर दबाव बनाती है। थोड़ा वीडियो भैया भैया अरे यार, हमका छोड़ना था, तो हम का बड़े भाई मान ले बड़े भाई हमारा कोई माल अपना बच्चे बड़े भाई भैया नहीं भैया बड़े भाई
से दबाएगा है। छोड़ दो संजय साकेत है, हम लोग अड्डाल के रहने वाले हैं और 13 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, मतलब हमारे घर के पास ट्रक और ऑटो का। तो हम लोग ऑटो को देखा तो पहले ऑटो को उठवाए, फिर इसके बाद ट्रक के पास पहुंचे। ट्रक के पास पहुंचे तो वहां भी कुछ लोग ट्रक के आदमी थे, वो लोग तो शराब पी रहे थे वहाँ पर, ठीक है ना। और कुछ ही देर में पीछे से एक ट्रक के पीछे एक कार आई, कार से उतरे हैं कुछ लोग तो हम लोग पे डंडा उंडा से मारने लगे सीधे, और बोलते थे सचिन इसको मारो इसको मारो उसको मारो, ऐसे हर कोई मारने लगा। तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, दो लोग थे और भी गांव के कुछ लोग दौड़ कर फिर हमको बचाए हैं, कुछ रास्ते में चलने वाले भी फिर बचाए हैं। तब हम लोग जाके थाने गए तो थाने में बागरी साहब नाम के कुछ आदमी, उनके पास रिपोर्ट लिखाने गए तो नाम भी नहीं लिखे हमारा, बोले जाओ थाने जाओ वहाँ जाओ हॉस्पिटल जाओ। वो हॉस्पिटल हम लोग लेके गए, वहाँ पर फिर दवा वा कराए, फिर वो ट्रक भी आया था, वो लोग पुलिस कुछ देर बाद पीछे हमारे पहुंची थी तो लोग हमको बोले जाओ वहाँ लेके जाओ। हम लोग यहाँ लेके आए, फिर ट्रक भी गया थाने, फिर हम दूसरे दिन मतलब गए दवा मतलब करा के वहाँ थाने पे, तो थाने पे कोई ट्रक भी नहीं था और कोई आदमी भी नहीं था। फिर वहाँ भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमको भेज दिए। तो हम जो मारपीट की उनको जानते हैं आप? हाँ, उसमें से एक का नाम ले रहे थे सचिन कुशवाहा कुछ करके था, और भी थे आदमी कुछ लोग, तो वो लोग भी नाम लेके घुरा रहे थे किसको मारो उसको। इतना जरूर कौन से थाने में शिकायत दर्ज की है? हम चुनाटा थाने में शिकायत की है, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, फिर एक बागरी साहब रिपोर्ट तो बाद में लिखे गए हैं, फिर तो बागरी साहब अभी जो काम कर रहे हैं हमारे मतलब कागज में, तो वो भी हर दिन हमको फ़ोन लगा के उल्टा सीध बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, फिर कुछ बोले ही नहीं सर, हम लोग ऐसा ऐसा हादसा हुआ जो तो वही बताएं हम, इसके अलावा तो कुछ बताया ही नहीं है। तो हमको फ़ोन लगा के धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और कौन धमकी दे रहा है? ये केरल बागरी नाम के है ना, वो हमको थाने से वो हमको फ़ोन लगा लगा के परेशान कर रहे हैं, उल्टा सीध बोल रहे हैं। और आज कुछ सुबह मेरे घर पर आए थे 10-12 लोग, तो वो लोग भी बोल रहे थे कि केस अपना रिटर्न ले लो, हमारा नाम नहीं है, हम लोग अंत अलग आदमी, केस वापस करने की धमकी दे रहा। हाँ, और अगर कुछ होगा केस नहीं लोगे तो बाद में हम लोग को कुछ नहीं बोलना। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग अगडाल के रहने वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संजय साकेत है, मेरा भाई है ये बगल पे, उसका भी सर पे बहुत डंडे मारे हैं। उसमें क्या नाम है? उनका सुंदर लाल साकेत है। हम लोग वहाँ से लेकर हॉस्पिटल चले गए थे, फिर वैसे से बात कर रहे हैं सब लोग, हम कहाँ जाएँगे, जब हमको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम किसके पास जाएँगे। एस पी साहब के पास भी आए थे तो वहाँ भी दिए, तो कुछ एस पी साहब उस दिन छुट्टी पे थे 14 तारीख को। आइए सुनाते हैं आपको उक्त ऑडियो जो पुलिस कर्मी और पीड़ित के बीच का बताया जाता है। अरे ये सुंदरलाल, हाँ सर, ये तुम बताओ कहाँ हो? हम तो यहीं घर पास टैंकी पास। हाँ,
टंकी पास है, टंकी पास। अच्छा टंकी पास होते एक चक कहाँ का है, एक चक कहाँ का है डंपर? हाँ ये डंपर कहाँ का है? ये डंपर बैजनाथ साइड का है ना, काखर है। डंपर किसका है? डंपर ये सचिन कुशवाहा लोग का है ना, वो लोग का। नहीं ये डंपर कितना है, कहाँ है अभी, क्या बताएं डंपर कहाँ है? अरे अभी नहीं, तुम फालतू को झूठ मत बोलो, तुम बताओ डंपर कहाँ है? डंपर वहाँ वो लोग के पास होगा सर जी, जो ले जाएंगे। नहीं तुम्हारा ऑटो कहाँ है? ऑटो ऑटो वाला तो भाग गया था, वो सीधा कर दिए थे तो उसमें लग जाएगा। ऑटो कहाँ की है? अब ऑटो साहब कहाँ बताए हम, नहीं तो ऑटो में कहाँ की है? वो लोग चले गए दवा कराने, वो लोग तो लग गया ड्राइवर का, तो वो गाड़ी लेके गया था, अभी किधर गया हम लोग खुद नहीं मालूम, तो रीवा तरफ गया था। नहीं तो जो आदमी नहीं थे उनका भी नाम तुम लिखा दिए हो। जो आदमी नहीं था घटना स्थल में उसका भी नाम लिखाए हो, किसके कहने पर लिखाए हो? अरे वो लोग गाड़ी पे जो आए थे तो हम उन्हीं का नाम देखेंगे। नहीं तो वो था यहाँ, वो मौके में थे तभी तो बोल रहे ना। नहीं या यूपी 70-33 किसका ट्रक है? निन्यानवे ये उन्हीं लोग के बीच की गाड़ी है, सचिन लोग की। अरे बीच नहीं, नंबर सही देखे थे? हाँ सही देखे थे सर जी, फोटो कुछ देखे थे सीट के लिए थे। फोटो खींचे हो? हाँ है? हाँ फोटो खींचे हो? हाँ। तुम एक काम करो, नेता का लेके आओ तुम। कहाँ? नेता का लेके जयलाल का। हाँ थाने। हाँ ठीक है। हाँ कब आ जाओगे? अभी तो सर हम थोड़ा दूसरे काम से आए थे, तो अब यहाँ से जाएंगे फिर घर जाएंगे तो आते हैं फिर बताते हैं। तुम्हारा दूसरा काम है, ये काम अर्जेंट है, वो काम अर्जेंट है। नहीं तो हम आ रहे हैं ना सर, उसको हम छोड़ के आ रहे हैं थोड़ा। हाँ तुम आओ। हेलो हेलो तुम्हें कौन बुला लिया? हेलो हेलो हाँ बोलिए। हाँ बताइए। फोन लगाए थे? हाँ फोन लगाए, उठाए नहीं रहे क्या आप? अरे अभी इतना बिजी थे ध्यान नहीं दे पाए। हाँ अरे गाड़ी चला रहे थे ना तो ध्यान नहीं दे पाए। कहाँ हो आप? हो कहाँ? चुराका पे। हाँ चुराका में है? अरे थोड़ी आ जाइए ना थाने। हाँ थाने आई ना? हाँ थाने आई 10 मिनट का, 5-2 मिनट के लिए। आई हम बताए थे ठीक। हाँ आई वहाँ चार 6 जने हैं। हेलो हेलो हाँ सर जी, 1-2 घंटे से तो थोड़ा काम में लगे हैं। नहीं तुम कॉल से आ रहा है, 1-2 घंटा ही तुम कॉल से आया, ये फर्जी रिपोर्ट तुम लिखाए थे। ये तुम तुम्हारे एक्सीडेंट का चोट आई है, तुम लिखा गए फलाने मारा है, न प्रदीप रहे न वो रहे न वो रहे, तुम दुनिया वाले को लिखा है यार। ऐसा थोड़ी, इसीलिए तो गवाही नहीं दे रहा था वो, ऐसा थोड़ी करना चाहिए तुमको भाई। एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट लिखाते यार, आने के लिए बोलते हो उसमें, कहते हो कि मैं अभी आ जा रहा हूँ, कल भी बोले कि मेरे ऐसा वैसा है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। अरे सर जी वो लोग रहे थे तब ना बोले हैं। भाई तुम आ करके बयान दे अपना, मैं गया तुमको कल भी कहा तुम्हारा देखा, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। खाए ले रहे थे साहब, फर्जी है जमुना यहाँ पर सिवाय खाए ले थे पहले, तुमको मैं कहा और बयान दिवाओ और बयान दे, तो तुम आते आए हो, कल मैं गया खुद है, तुमको सवेरे बुला रहे, ट्रक वाला है कौन सा ट्रक है, ऑटो आज लोकल थी ऑटो पलटी है, ऑटो कहाँ का है वो, वही अकदार का ऑटो है, ऐसा थोड़ी नहीं पता चल जाएगा। अरे सर ट्रक तो आप वही थाना गए थे ना? थाना गया तो ट्रक तो तुम्हारा थाना गया चला गया आएगा सर, ऑटो कहाँ है? ऑटो तो नहीं जानता, सुनो तुम इससे नहीं बच पाओगे। तुम्हारे काल से छुट्टियां बनाए हो आप,
तुम चिंता ना करो, धीरज धरो। सुना आपने किस तरह से पुलिसकर्मी पीड़ित को ही मारपीट की घटना को एक्सीडेंट बताकर धौंस दिखाई जा रही है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करें, जिससे कि आम लोगों का पुलिस पर विश्वास बना रहे। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।